11 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बचपन से ही हमें बहुत आसान और क्विक लगता है। 11 से अगर कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो वो भी हमें बहुत आसान लगता है और हम हंसी खुशी करते हैं। पर कैसा हो अगर हमें बड़े बड़े नंबर्स 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए अगर दिए जाए तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े और हम डायरेक्ट आंसर निकाल दें। ऐसी ही एक ट्रिक आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो ट्रिक सीखने के लिए मेरी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड यू आर वॉचिंग मैथ्स मैजिक जूनियर्स। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 डिजिट से। अगर हमें 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल, 45 इफ मल्टीप्लाइड बाय 11। मैं बिना मल्टीप्लाई करे आपको आंसर करके दिखाऊंगी। जैसे कि यहां 45 लिखा है, टू एक्सट्रीम नंबर्स और डिजिट्स विल बी सेम, 4 एंड 5। जो मिड टर्म या मिड डिजिट आएगा वो होगा इन दोनों का सम, 4 प्लस 5 इज 9। तो 45 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं, माय आंसर विल बी 495। यू कैन इवन ट्राई इट एट होम। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। इफ आई मल्टीप्लाई 32 बाय 11, व्हाट आई हैव टू डू इज जस्ट स्प्लिट द टू नंबर्स, टू डिजिट्स, टू एक्सट्रीम डिजिट्स विल बी एज इट इज एंड द मिड डिजिट विल बी द सम ऑफ दीज टू डिजिट्स, दैट इज 5. 3 प्लस 2 इज 5। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 32 एंड 11 विल बी 352. नाउ आई विल शो यू हाउ टू मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर विद 11. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। एक है 3 डिजिट नंबर और एक है 4 डिजिट नंबर। तो वील डू द 3 डिजिट नंबर फर्स्ट। इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बजाय हम और कैसे इसको आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो 2 कॉर्नर वाले डिजिट्स हैं वो है एज इट इज़, 2 और 4 सेम टू सेम रहेगा। इन दोनों को आपस में प्लस करके नंबर लिखना है, 5 प्लस 4 इज 9। और इन दोनों को आपस में प्लस करके जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, 5 प्लस 2 इज 7। दैट इज आवर आंसर, 2794. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू द 4 डिजिट नंबर। इसमें भी हम सेम काम करेंगे। पहले 2 एक्सट्रीम कॉर्नर वाले डिजिट्स को एज इट इज लिखेंगे, 3 और 5। उसके बाद एक एक करके इन दोनों को प्लस करेंगे। 5 प्लस 6 इज 11। अभी मैं फिलहाल के लिए सिर्फ ये नंबर्स एज इट इज लिख रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि एक ही जगह पे 2 डिजिट हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे। 6 प्लस 2 इज 8, 2 प्लस 3 इज 5। अब जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है ऑलरेडी। जैसा कि हम एडिशन में करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यही सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। 5 रहेगा एज इट इज सेम टू सेम, यहाँ का वंस प्लेस का 1 एज इट इज रहेगा और ये वाला 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट पे। सो 8 विल बिकम 9 एंड द अदर डिजिट्स विल रिमेन द सेम। सो आर आंसर विल बी 35,915। ये था हम लोगों के लिए एकदम क्विक और सुपर इजी। अब मैं आपके लिए एक दिखाऊंगी 5 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन विद 11। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक 5 डिजिट नंबर जिसे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम और क्या कर सकते हैं, 2 एक्सट्रीम कॉर्नर वाले डिजिट्स एज इट इज़, 2 और 7 एज इट इज़, और अब बाकी के डिजिट्स को हम आपस में प्लस करते जाएंगे। 7 प्लस 3 इज 10, 3 प्लस 4 इज 7, 4 प्लस 5 इज 9, 5 प्लस 2 इज 7। अब हमने देखा यहाँ पे एक 2 डिजिट वाला नंबर है ऑलरेडी, जो कि हम लिख नहीं सकते नंबर के बीच में, तो हम इसे सिर्फ वंस प्लेस का 0 यहाँ छोड़ेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट पे। तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल गया 7 0, 7 प्लस 1 विल बी 8 9 7 2। इफ वी मल्टीप्लाई 25437 बाय 11 विल गेट 279807। देखा आप लोगों ने कितना क्विक है और कितना आसान। आप ऐसे ही डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ अपने घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके
लाइक से और सब्सक्राइब करने से ही हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। हम ऐसे ही और अनोखी ट्रिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद नेहा।